हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक और टॉपिक लेके बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने ये जो मशीन खड़ी है, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, कहाँ कौन सा क्या पार्ट है। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये वेंटी सर्किट है जो आपको, जो दो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये इसमें आर्टिफिशियल लंग लगा हुआ है। और थोड़ा सा आप नीचे देख पा रहे हैं तो यहाँ ये एक फिल्टर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हेपा फिल्टर। इस प्रकार का होता है ये हेपा फिल्टर। काम होता है जब भी वेंटिलेटर इंस्पायरेशन करता है तो ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी, जो भी ये फंगस है कुछ, वो इससे पार होके ना जा सके, पेशेंट के लंग्स में पार ना जा सके, और इसी में वो रह जाए, इसलिए इसको फिल्टर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें पीछे की ओर ये ऑक्सीजन पाइप होता है जो सेंटर ये लगा होता है यहाँ पर। इस प्रकार से पाइप होता है जो मेन ऑक्सीजन सप्लाई में, हाई ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की सप्लाई में ये पाइप लगा होता है। तो ये वेंटिलेटर कुछ मेन मेन पार्ट्स हो गए। तो इसके अलावा इसमें पीछे एक स्विच दिया हुआ तो हुआ होता है ऑन ऑफ का। किसी वेंटिलेटर में प्रेशर मेंटेन करने के लिए अलग से एक मशीन लगी होती है नीचे, कंप्रेसर जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ में जो है इंटरनली कंप्रेसर मेंटेन होता है, उनको बाहर से किसी कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके सामने ये ड्रेगर कंपनी का वेंटिलेटर काफ़ी आसान है समझने में, चलाने में भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा है। सीखने के पर्पज़ से और चलाने के पर्पज़ से एक बेसिक जो वेंटिलेटर है ड्रेगर कंपनी का, अच्छा वेंटिलेटर है। तो वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जैसे वेंटिलेशन सुनते ही हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है। तो वेंटिलेशन यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस को जो है वेंटिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जब भी किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, पेशेंट लंग्स कोलैप्स करते हैं, तो वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ओटी के प्रोसीजर होते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, उसमें भी वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो वेंटिलेटर इंस्पायरेशन जो प्रोसेस है अपना, नेगेटिव और पॉजिटिव दो दो प्रकार का वेंटिलेशन जैसे होता है। तो नॉर्मल जो अपना इंस्पायरेशन प्रोसेस है इसको नेगेटिव इंस्पायरेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि बाहर से ऑक्सीजन हम इनहेल कर सकें। 21% ऑफ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जैसे होता है इन्वायरमेंट में, तो इतना प्रेशर मेंटेन किया जाता है लंग्स में प्लीरा के द्वारा, इतना नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है, तो बाहर से जो है इंस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब किसी कारण से लंग्स ख़राब हो जाते हैं या लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं या इतना प्रॉपर नहीं कर पाते हैं ब्रीथ, तो फिर बाहर से वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इट मीन्स लंग्स अपना कोई प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर के द्वारा हम एक फोर्स के द्वारा हम फोर्स दे रहे हैं, फोर्स के द्वारा हम एयर्स को लंग्स में दे रहे हैं ताकि लंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और ऑक्सीजनेशन सेचुरेशन को मेंटेन किया जा सके। तो ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो गया। इसके अलावा दो प्रकार से इसको लगाया जा सकता है वेंटिलेटर को, जैसे आप जानते होंगे इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है कि किसी ट्यूब के द्वारा, किसी कोई ट्यूब डाल के अंदर आपके ट्रेकिया में, ओरोपरेंजियल, नेजोपरेंजियल जो भी ट्यूब्स हैं वो डाल के, या फिर ट्रेकोस्टमी करी जाती है, यहाँ से गले से एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसको ट्रेकोस्टमी कहते हैं, उसके द्वारा जो वेंटिलेशन किया जाएगा उसको इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जो होता है वो किसी मास्क के द्वारा, FHNP मास्क होता है, NIV मास्क होते हैं, कुछ ऐसे मास्क होते हैं, तो उनके द्वारा, मास्क के द्वारा बाहर से वेंटिलेशन दिया जाता है, जो कि जैसे बाईपैप में यूज होता है, सीपैप में भी वो यूज हो सकता है, दोनों में यूज हो सकता है वो, तो उनको हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। यानी कि बिना किसी ट्यूब के, बिना कोई चीज़ अंदर डाले और बाहर से ही वेंटिलेटर किया जाता है एक मास्क के द्वारा, उसको हम बोलते हैं
नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो इस वीडियो में केवल थोड़ा सा हमने ये देखा, वेंटिलेटर के पार्ट देखे और इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन सीखा क्या है। इसके अलावा नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये भी हमने सीखा है। आगे अगले पार्ट्स में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।